हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अनुराग ठाकुर ने बोटा चौक से रैली स्थल गांधी चौक तक खुली जीप में पहुंचे। अनुराग ठाकुर के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती भी खुली जीप में पूरे बाजार से होते हुए गांधी चौक तक पहुँचे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अनुराग ठाकुर ने बोटा चौक से रैली स्थल गांधी चौक तक खुली जीप में पहुंचे। अनुराग ठाकुर के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती भी खुली जीप में पूरे बाजार से होते हुए गांधी चौक पहुंचे, जहां रास्ते में लोगों ने फूल बरसाकर अनुराग ठाकुर का अभिनंदन किया। इस अवसर पर गांधी चौक पर सांसद शांता कुमार के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार जीत का मार्जिन बहुत बढ़ेगा और बीजेपी की रैली को देखकर लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि देश में माहौल भी मोदी का ही बना हुआ है। वहीं सीएम ने नेताओं के भाषणों पर कहा कि नेताओं को अपनी जुबान पर संयम बरतना चाहिए ताकि बाद में माहौल खराब ना हो। ऐतिहासिक हुआ है, जोश जनून से भरा हुआ नॉमिनेशन हुआ है और मैं कह सकता हूँ अब की बार जीत तय है, लेकिन जीत का मार्जिन और ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसे हालात में जो मैं देख रहा हूँ, जो जोश का माहौल मैं देख रहा हूँ, उसको देख करके मैं कह सकता हूँ कि ये जीत आज तक के पुराने सारे तमाम रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। सर, बीजेपी की तरफ से नहीं हो रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री देखने का बनने का सपना देख रहे हैं, शुरुआत वहाँ से हुई है। और जिस भाषा में उनने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिन शब्दों का चयन किया, शब्दों का इस्तेमाल किया, स्वाभाविक रूप से इसका रोष, इसका आक्रोश नीचे तक जो है हमारी पार्टी के संगठन के सब नेताओं में। ऐसी परिस्थिति में भावावेश में कुछ बातें हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्वयं बरतने की आवश्यकता सब है। थैंक यू। नामांकन दाखिल करने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज की रैली से लगता है कि पहले से बड़ी जीत होगी। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को रेल मुद्दे को लेकर बयानबाजी करने पर कहा कि कांग्रेस खुद ही अपने मुद्दों पर गिर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में नशों को बढ़ावा दिया तो बीजेपी ने खेलों को बढ़ावा दिया है। बात समझ लीजिए, कल की कांग्रेस की रैली, उसका बिखराव, बटी हुई कांग्रेस, ये सब आपके सामने नजर आया। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कांग्रेस अपने मंच से अपनी स्थिति दिखाकर खुद चली गई है। जनता ने आंकलन उनकी स्थिति का खुद किया है। आज तो पूरे बाजार में चक्कर काट के देखो, एक तरफा। कल बनारस का रोड शो था, आज हमीरपुर का रोड शो था। जहां एक और मोदी लहर चली है, वहीं पर मोदी जी के साथ साथ हिमाचल के चारों की चारों सीटें जिताकर मोदी जी की झोली में डालने के लिए हिमाचल के लोग तैयार हैं, वोटर तैयार है, कोई कमी इसमें नहीं छोड़ेंगे। 19 को भारी मतदान होगा, फिर एक बार मोदी सरकार। गत दिवस कांग्रेस की रैली पर अनुराग ने कहा कि कांग्रेसी रैली में बंटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने मंच से अपनी स्थिति दिखाई और जनता ने आकलन भी किया है। उन्होंने कहा कि मोदी लहर चली हुई है और हिमाचल की चारों सीटों को जीतने के लिए वोटर तैयार हैं। मंत्री जी का, माननीय शांता कुमार जी का, माननीय धूमल जी का, माननीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी का और बाकी वरिष्ठ नेताओं का, जो सब लोग यहाँ पर नामांकन में आशीर्वाद देने आए, हजारों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता और जनता ने आकर आशीर्वाद भी दिया, समर्थन दिया, मजबूती प्रदान की। और आज क्या ये शो दिखाता है कि एक बार फिर इतिहास हमीरपुर संसदीय क्षेत्र लिखेगा। पहले से बड़ी जीत, मोदी जी की झोली में हम ये सीट डालकर देंगे। सर, पिछले कल भी यहाँ पे रैली थी कांग्रेस की, तो और रेल मुद्दे पे ही आपको घेरा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है अब तो खुद कांग्रेस घिरती नजर आ रही है, जिनके पास जवाब नहीं है। हम रेल लाए, कांग्रेस ने रुकवाई। हम एम्स लाए, कांग्रेस ने रुकवाया। हमने स्टेडियम बनवाए, कांग्रेस ने ताले लगवाए। हमने खेलों को बढ़ावा दिया, कांग्रेस ने नशों के समय में, इनके समय नशों को बढ़ावा मिला। यही नहीं, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, ट्रिपल आईटी लाए, कांग्रेस ने रुकवाया। हम लाने का काम करते रहे, कांग्रेस रुकवाने का काम करते रही। हम खेलों को बढ़ावा देते रहे, ये युवाओं को कुचलने का काम करते रहे। जनता ने इनको जवाब विधानसभा चुनाव में भी दिया है, लोकसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड जीत भाजपा की होगी। अवश्य होगा, क्योंकि लोगों में जोश है। लोग मोदी जी की सरकार में भारत को और मजबूत करना चाहते हैं।
राहुल गांधी जी ने जो झूठ का सहारा पकड़ा है, आज तक किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना झूठ नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। अब उससे स्थिति ये पैदा हो गई, एक और भारत को बदनाम करने का काम किया। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी जड़ के कांग्रेस ने हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया। आज देश के लोग जवाब मांगते हैं कि क्या कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है। साबरमती समझौता एक्सप्रेस मालेगांव, झूठे मुकदमे दर्ज किए, सब में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी ध्वस्त हुई। दूसरा, राहुल गांधी जी ने पहले फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम लेकर झूठ बोला, मनोहर पर्रिकर जी का नाम लेकर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर झूठ बोला और हर बार उनको लताड़ खाने को मिली। झूठ उनका पकड़ा गया, कभी सबूत वो दे नहीं पाए और अंततः उनको माफी सुप्रीम कोर्ट से मांगनी पड़ी। इस चुनाव के बाद वो पूरे देश से माफी भी मांगेंगे। बीजेपी से सुरेश चंदेल के कांग्रेस में जाने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इतिहास में बड़े बड़े नेता भी कार्यकर्ताओं के बिना कुछ नहीं रहे हैं। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है, उनके दम पर चलती है, उनके कारण लगातार जीत प्राप्त करती है। आप भाजपा का इतिहास उठाकर देखें, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा जो बहुत बड़े बड़े नेता भी हुए वो कार्यकर्ताओं के बिना कहीं के नहीं रहे। आज भी वही आशीर्वाद जनता का है, मेरे ऊपर है, जिनको नहीं मिला वो नहीं रहे, हमारे ऊपर है, हम चलते रहेंगे। अब तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।